दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज, नजर सब पर। देवभूमि उत्तराखंड के इस प्राकृतिक सौंदर्य एवं प्राकृतिक नेचुरल रूप में पाई जाने वाली संपदा जड़ी बूटियों की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी बिल्कुल जिस जंगल में हूं, मेरे सामने हिंसर, तीन टाइप के हिंसर इस देवभूमि में पाई जाती है, रेड, येलो और ब्लैक। और ये हिंसर दवाई के काम करती, इवन ये भी कैंसर तक की डिजीज को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है। और ये देखिए, यहाँ पर बहुत पौधे मुझे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बेल नुमा हिंसर के पौधे येलो हैं। ये देखिए आप, असंख्य इसमें लगे हुए, इस तरीके इसको निकाला जाता है। बहुत ही इसमें दाने के रूप में छोटी छोटी लगी हुई हैं। और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से निकाली जाती हैं, आसानी से आप बिल्कुल इकट्ठा कर सकते हैं आप। और ये देखिए, दिखाता हूँ आपको खा के किस तरीके से इसके, ये देखिए, वाह, बहुत मीठी येलो कलर की है सर, बहुत फ्री में बिल्कुल ये अपने आप लगती है। और इन जंगलों में मुझे अनेक नजर आ रही, बहुत ही टेस्टी, मतलब इस पेड़ में मुझे लग रहा शायद कम से कम 10 किलो से ज्यादा इसमें लगी हुई है। और जहां तक मैं देवभूमि की बात करूं, सरकार शायद लाइसेंस सिस्टम तो बनाती है, लेकिन जीरो ग्राउंड पे अभी तक सरकार ने इसके ऊपर काम नहीं किया। हर जिले में स्टोर बनाए जाएं, हालांकि कई जगह तक जब हमने दौरा किया तो सरकार ने चकबंदी के रूप में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अधीन हमने देखा कई पेड़ लगाए गए हैं और उसमें हिंसर भी लगी हुई थी, जबकि ये वास्तविक अपने आप होती नेचुरल लगी हुई। अनेक पौधे हैं मेरे दोनों तरफ, बिल्कुल इतनी मोटी मोटी हिंसर, दो तीन वैरायटी की येलो कलर की मुझे यहां पर अभी नजर आ रही बहुत सारी। तो सरकार को चाहिए कि लोगों को प्रोत्साहन दें और इसको इकट्ठा करने का प्लान किया जाए, ताकि लोग जाएं, एक स्टोर नुमा बनाया जाए जिला लेवल पर, क्योंकि प्राकृतिक रूप से अपने आप ये लगे होते हैं, ये प्रकार प्राकृतिक संपदा के रूप में देखने को मिल रही है, जबकि सरकार करोड़ों रुपए लगा करके चकबंदी करके इसको उगाने का प्रयास करती है, जबकि वहां पर ये सक्सेस नहीं है, नेचुरल लगे हुए हैं। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड से मेरी सहयोगी टीम के साथ मेरी जंगल के भ्रमण से देवभूमि उत्तराखंड में पाई जाने वाली संपदा पर सीधे जीरो ग्राउंड की कवरेज। जय हिंद, जय भारत।